अगर आप भी इस दिशा में लगाएंगे घड़ी तो खुल जाएगा आपकी किस्मत का ताला। वास्तु शास्त्र के अनुसार जैसे हर चीज के रखने का सही तरीका बताया गया है, वैसे ही घर में घड़ी कहाँ और कैसे लगानी चाहिए इसके बारे में भी बताया गया है। आइए जानते हैं घर में घड़ी किस दिशा में लगाएं जिससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आए। वास्तु के अनुसार दक्षिण दिशा में घड़ी को लगाना बहुत अशुभ माना गया है। इस दिशा में घड़ी लगाने पर घर के सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनका कोई भी काम समय पर नहीं होता। घड़ी कभी भी किसी दरवाजे के ऊपर नहीं लगानी चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से दरवाजे के नीचे से गुजरने वाले व्यक्ति का समय खराब होने लगता है। ड्राइंग रूम या बेडरूम में घड़ी लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि प्रवेश करते समय घड़ी पर नजर ना जाए, इससे घर के लोगों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। पूर्व दिशा में घड़ी लगाना सबसे शुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। घड़ी पर कभी भी धूल मिट्टी ना जमने दें। वास्तु के मुताबिक मधुर संगीत उत्पन्न करने वाली घड़ी है तो इसे घर के मुख्य हॉल में लगाना शुभ माना जाता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही जानकारियों को प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।